छठवीं कक्षा हिंदी दूसरा पाठ हमारा गांव के कृत्य करेंगे। पहला कृत्य पढ़ो। पढ़ो में गीत पढ़ो। ई मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ पे हमें गीत को पढ़ना है और गीत में ई और ई मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाना है। बच्चों मैं गीत को पढ़ती हूँ, देखो आप। हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। नल के पास हम नहाते, ईख और इमली है खाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। बच्चों यहाँ पर हमें पहले ई मात्रा वाली शब्द पर गोला लगाना है। ई मात्रा वाला शब्द यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा किसान, क को ई मात्रा, स को आ मात्रा, न किसान, ई मात्रा वाला शब्द किसान। और आगे इमली, इमली को देखिए, ई को और इमली है खाते में, इमली। ई म ला को ई मात्रा, इमली। यहाँ पे ई मात्रा वाला शब्द किसान, ई मात्रा वाला शब्द इमली। गीत पढ़ो, इमली शब्द पर गोला और ईक शब्द पर डिब्बा लगाओ। बच्चों गीत में देखो, इमली कहाँ पे है, ईक और इमली है खाते में, इमली। इमली शब्द को आपको गोला लगाना है, देखो मैंने लगाया। और ईक, ईक शब्द पर डिब्बा लगाना है, देखिए मैंने लगा दिया, आप भी अपने किताब में लगा दीजिए। तीसरा कृत्य बच्चों देखो, चित्र देखो शब्द पढ़ो। इनके अक्षर वर्णमाला चार्ट में पहचानो, गोला लगाओ। हमें नीचे चित्र देखना है और वर्ण शब्दों के वर्णों को पहचानना है और वर्णमाला चार्ट में उन अक्षरों को पहचान कर हमें गोला लगाना है। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द देखो आप, ईख। ईख में ई क, ई और ख दोनों अक्षरों को वर्णमाला चार्ट में पहचानना है और उन अक्षरों को गोला लगाना है। पहले देखिए ई, ई पर मैंने गोला लगा दिया, इसके बाद ख, ख को गोला लगा दिया। अगला शब्द क्या है, इमली। इमली में देखिए ई म ली, ई म ल और ई की मात्रा, इसमें तीन अक्षर है, ई म ल, तीन अक्षरों को वर्णमाला चार्ट में पहचान कर गोला लगाना है। पहला अक्षर क्या है, ई, ई को गोला लगाइए, हाँ मैंने लगा दिया। इसके बाद माँ को ढूंढिए, म अक्षर को मैंने लगा दिया गोला। ल अक्षर को ढूंढिए, पहचान लिए ना, ल को गोला लगा दिया। अगला शब्द किसान, किसान में की सा न, ई मात्रा, क स आ मात्रा, न। यहाँ पे हमें तीन अक्षर है, क
स न, इन तीन अक्षरों को वर्णमाला चार्ट में हमें पहचानना है, गोला लगाना है। पहला अक्षर क्या है? क। क मैंने ढूंढ लिया, गोला लगा दिया। इसके बाद स, स को ढूंढ लिया, हाँ गोला लगा दिया मैंने। अभी अगला न, पहचान लिए ना, न को गोला लगा दिया। इस प्रकार बच्चों अपने अपने किताब में आप लोग इन वर्णों को पहचानो और गोला लगाओ, याद रखो और मात्राओं जोड़कर कैसे पढ़ना है बार बार आप पढ़ते रहिए। अगला कृत्य, जोड़ी बनाओ। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ चित्र दिए गए हैं। एक बार देखो और चित्रों के साथ हमें जोड़ना है। इमली, किला, कील, माला, ईख, नल, किसान, नाक। बच्चों शब्दों को मैंने पढ़ाना, आप लोग अभी चित्रों को देखिए और शब्दों से हमें चित्रों को जोड़ना है। यहाँ पे उदाहरण के लिए हमें इमली शब्द को इमली चित्र से जोड़ दिया गया है। अगला शब्द है किला। किला को हमें किला चित्र से जोड़ना है। मैंने जोड़ दिया, आप भी जोड़ दीजिए। अगला शब्द कील। कील शब्द को कील चित्र से मैंने जोड़ दिया, आप लोग भी जोड़ दीजिए। अगला शब्द माला। माला ऊपर है, माला को मैंने जोड़ दिया। अगला शब्द ईख। ईख, ईख से मैंने जोड़ दिया। नल, नल शब्द को नल से जोड़ दिया। किसान, किसान शब्द को किसान से जोड़ दीजिए। अभी अगला और आखिरी शब्द नाक। नाक को मैंने नाक से जोड़ दिया। बच्चों आपने देखा ना, आप अपने किताब सामने रख के ये कृति को करिए और याद भी रखना है किस चित्र को किस शब्द से जोड़ दिया और उसका अर्थ क्या है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। लिखो कृति में मात्राएं जोड़कर लिखिए और पढ़िए। यहाँ लिखो कृति है, इस कृति में मात्राओं को जोड़कर लिखना है। इसे पढ़ते हुए इस कृति को करना है हमें। यहाँ पर हमें आ मात्रा और ई मात्रा, ई ई मात्रा, तीन मात्राओं को जोड़कर लिखना है। हमें यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए क, क अक्षर को मात्रा जोड़कर दिया गया है। क को आ मात्रा जोड़ने से का, क को ई मात्रा जोड़ने से की, क को ई मात्रा जोड़ने से की। बच्चों हमें यहाँ पर क अक्षर को उदाहरण के रूप में दिया गया है। अभी हमें दूसरे अक्षरों को मात्राएं जोड़कर लिखना है। ख अक्षर को आ मात्रा जोड़ने से खा, न अक्षर को आ मात्रा जोड़ने से ना, म अक्षर को
आ मात्रा जोड़ने से माँ, र अक्षर को आ मात्रा जोड़ने से र, स अक्षर को आ मात्रा जोड़ने से सा, ल ल अक्षर को आ मात्रा जोड़ने से ला, अगला मात्रा इ मात्रा, ख अक्षर को हमें ई मात्रा जोड़ना है, जोड़ने से हमें खी, ख को ई मात्रा जोड़ने से खी, न को ई मात्रा जोड़ने से नी, म को ई मात्रा जोड़ने से मी, र को ई मात्रा जोड़ने से री, स को ई मात्रा जोड़ने से सी, ल को ई मात्रा जोड़ने से ली। अगली मात्रा क्या है? अगला मात्रा ई मात्रा है। ख को ई मात्रा जोड़ने से खी, न को ई मात्रा जोड़ने से नी, मा को ई मात्रा जोड़ने से मी, को ई मात्रा जोड़ने से री, स को ई मात्रा जोड़ने से सी, ल को ई मात्रा जोड़ने से ली, बच्चों आप अपने किताब में इस कृति को देखते हुए पढ़ते हुए मात्राओं को जोड़कर अक्षरों को पढ़ते हुए इस कृति को कर दीजिएगा। बच्चों लिखो कृति में अगला कृत्य शब्द पढ़िए और लिखिए। हमें नीचे चार शब्द दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हुए हमें लिखना है। पहला शब्द इमली, दूसरा शब्द ईक, तीसरा शब्द किसान, चौथा शब्द कील। बच्चों आप पढ़ते हुए लिखिए। इमली, ई, म, ली, इमली। इमली के बाद ईक, ईक के बाद किसान, किसान, किसान के बाद कील,
ई की ल कील। बच्चों, इस प्रकार आप अपने किताब में शब्द पढ़ते हुए सुंदर अक्षरों से लिखिए। लिखो कृति में अगला कृत्य रानी को आम तक पहुंचाइए। रास्ते में मिलने वाले चीजों के नाम लिखिए। यहां पर हमें एक चित्र पहेली दिया गया है। रानी को हमें आम तक पहुंचाना है। रानी आगे जाते हुए जिन जिन चीजों के पास जाती है उन चीजों के नाम हमें लिखना है। रानी को आम तक पहुंचाना है। रानी आगे बढ़ रही है, पहले पहुंच गई कील के पास। कील से आगे चलते चलते हुए किला तक पहुंची। किला के बाद माला, माला से आगे बढ़कर नल के पास गई है। नल से आगे चलते हुए आम तक पहुंच गई। अब रानी को आम तक पहुंचा दिए ना। रास्ते में मिलने वाले चीजों को हमें यहाँ पे लिखना है। उदाहरण के लिए हमें कील को यहाँ पे लिख दिया गया है। कील के बाद रानी पहुंची किला। किला को लिखना है हमें की ला किला। किला के बाद माला के पास पहुंची है, हमें लिखना है माला। माला के बाद नल। नल के बाद आम तक पहुंच गई। आम के बाद, आम तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा आगे जाने से ईक तक जाकर भी हमें आम तक हम जा सकते हैं। मैं यहां पर ईक को भी लिखती हूं। ईक, थोड़ा आगे गए तो ईक से आगे जाने पर भी हमें आम तक रानी को पहुंचा सकते हैं। मैं यहां पर ईक लिख रही हूं। बच्चों, इस कृति को आप अपने किताब में अच्छी तरह से करके शब्दों को पढ़ते हुए लिख दीजिएगा। ఈ వీడియోను వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా తదుపరి వీడియోలను వీక్షించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.